नगर निगम प्रशासन और पार्षद की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण वार्ड नंबर 8 महादेव झारखंडी कॉलोनी के निवासियों ने आज गोरखपुर नगर निगम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कराए जाने की मांग की। वार्ड नंबर 8 में गंदगी और जन समस्याओं से आक्रोशित वार्ड वासियों ने नगर निगम प्रशासन और पार्षद के खिलाफ मुहिम खोलते हुए आज नगर निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि निगम प्रशासन और पार्षद की उपेक्षा के कारण वार्ड में गंदगी का साम्राज्य है। चारों तरफ नालियां चोक हैं और सड़कों पर कूड़ा पसरा हुआ है। बार बार पार्षद से इसकी शिकायत करने के बाद भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जितेंद्र वर्मा ने कहा कि वार्ड में चारों तरफ गंदगी पसरा हुआ है, लेकिन पार्षद निवास के सड़कें और नालियां चाक चौबंद रहती हैं। वार्ड नंबर 8 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 आदर्श नगर सिंघड़िया खुट्ठा टोला मुलायम नगर गैस गोदाम रोड जैसे मोहल्लों की समस्या को लेकर के आज हम सभी मोहल्ले के नागरिक वार्ड नंबर 8 के नागरिक के साथ नगर निगम पर जल भराव, जर्जर सड़कें, जर्जर नालियां, जर्जर पोल की अव्यवस्था को लेकर के हम नगर निगम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर 8 नगर निगम का लगभग सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है, और वो नंदा नगर की जो रेलवे लाइन है वो उस वार्ड को 2 भागों में विभक्त करती है। नगर निगम के द्वारा जिस तरफ पार्षद का क्षेत्र पड़ता है, यानी पार्षद जिधर निवास करते हैं उधर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा, लेकिन लाइन के उस पार जो लगभग 1000 घरों की संख्या है, जिसमें आपका गिरधरगंज कूड़ाघाट और सिंगड़िया मुलायम नगर खोटाटोला ये सभी आते हैं, उधर नाम मात्र का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है।